कहाँ से आ रही है अमित ये गाने की आवाज? मेरा ख्याल है वहाँ से आ रही है। I think it's an Indian folk song. चलो चलकर सुने। चलो। सुर पे दिला पर की ओए जिन मेरी पानी का रंग लाल हो गया जिन मेरी जोगी उतर पहाड़ों आया ओ जोगी उतर पहाड़ों आया चरखे दी गुंज सुन के वो जिन मेरी ओ चरखे दी गुंज सुन के उसने तो कहा था 10 बजे तक आ जाएगा। भूल गया होगा। कम ऑन दीदी, स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड है। वो बात और है कि उसने फुटबॉल कभी खेला नहीं, लेकिन वो मुझसे गांव में मैराडोना, सॉक्रेटीज, प्लेटनी इन सब की बातें कर रहा था। लेकिन अगर तुम्हें फुटबॉल की प्रैक्टिस यहाँ भी करनी थी तो लंदन से जूते नहीं खरीद सकते थे? वहां पहुंचकर 2 जोड़े भिजवाऊंगी। कम ऑन दीदी, शशांक कह रहा था यहाँ एक दुकान पर बड़े अच्छे स्पोर्ट्स शूज मिलते हैं। कहाँ के बने हुए हैं? He said जालंधर। अच्छा, जालंधर के। लो, अब तक नहीं आया वो। रास्ते में कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो? दीदी, why do you always think of the worst? ट्रैफिक देखा है यहाँ का? लो, आ गया है। हिंदुस्तानी घड़ियों में अब जाके 10 बजे हैं। हेलो शशांक। हेलो प्रिया, कैसे हैं आप? हैं? फाइन। एकदम। शशांक, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे। कब लौटे अपने गांव के दौरे से? जी कल ही आया। अमित बता रहा था तुम्हारे काम के बारे में। कभी फुर्सत में घर आओ, बैठेंगे, गपशप करेंगे। जी जरूर। हाय शशांक। हाय अमित। बड़े वक्त पर आ गया। माफ कीजिएगा, मैं वक्त के मामले में आपकी तरह अंग्रेज नहीं। यानी अंग्रेज अगर वक्त के पाबंद है तो वो गलत है? जी बिल्कुल नहीं। वो हुआ यूं कि मैंने आपसे बताया था ना कि मेरे जीप में कुछ विदेशी पुर्जे हैं, उनमें से एक आध जवाब दे गया था। वाह, यानी आपके देर से आने का दोष भी अंग्रेजों पर। ये तो अच्छी खासी जुगलबंदी शुरू हो गई। ये तो हर बार होता है बाबा, जब भी मिलते हैं। देखो बेटी, बात तो तब है कि आदमी अपने मुल्क की बुराइयां भी गिनवाए तो ऐसे लगे जैसे उसकी तारीफ कर रहा है। हाँ। अनीता, तुम भी अमित के साथ शॉपिंग के लिए चली जाओ। वैसे भी तुम कहती हो मैं यहाँ बोर हो रही हूँ। गो। मुझे तो किसी ने नहीं कहा साथ चलने के लिए। मैंने तो तुम्हें सुबह ही कहा था दीदी। चल भी पड़िए, अमित जूते खरीद लेगा और हम एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे। They are great. They are great. अब बंदर की तरह उछलो नहीं। क्यों नहीं दीदी, खुली हवा है, खुली जगह है। This is a great place. यहाँ तो सब कुछ ग्रेट ही है। आपका लंदन का टिकट आया नहीं क्या अब तक? आपको बड़ी जल्दी है मुझे यहाँ से भेजने की। देखिए वैसे भी हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है, आप चली जाएंगी तो एक से तो कम हो ही जाएगी। आ गए ना आखिर आप अपने फैमिली प्लानिंग वाले प्रोग्राम पर। बाय द वे, आपकी ये संस्था और क्या करती है? नहीं, कुछ छोटे मोटे से काम। वैसे आप इंग्लैंड में क्या करती थी? अगर आप हमारे वहाँ के विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर को देखेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है वहाँ। हर औरत की समस्या, एज, प्रोफेशन कंप्यूटर में फीड किया जाता है। कंप्यूटर्स के बारे में कुछ जानते हैं आप? बस इतना ही कि कंप्यूटर का दिल नहीं होता। अच्छा, यानी आप सबका है। तो चलिए चलकर देख लेते हैं आपकी संस्था को। देख तो लें कि आप लोग करते क्या है जिस पर आपको इतना फक्र है। पर दीदी मुझे प्रैक्टिस पर जाना है। तो तुम्हें कौन कह रहा है चलने को? वैसे भी वहाँ चल के समझोगे क्या? आप क्यों अपना वक्त जाया करते हैं? वक्त तो वैसे ही जाया हो रहा है, वैसे यहाँ करने को है ही क्या। हमारी ये संस्था कुछ 10-1 साल पुरानी है। तुम्हारी ये उम्र की थी मैं जब ऐसे कुछ काम करने का ख्याल आया, और इसमें मेरे शौहर ने मेरी बहुत मदद की। अब क्या बताऊं हम यहाँ क्या क्या करते हैं। वैसे तो शशांक के जरिए तुम्हें काफ़ी कुछ मालूम पड़ ही गया होगा, मगर अब अपनी आंखों से देख लो। यहाँ पर हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं जिसमें महरूम और मुफलिस औरतों को अपनी जिंदगी का बोझ ढोने में कुछ मदद मिल सके। दीदी मैं जरा दफ्तर में। हाँ ठीक है, अब इन औरतों के कोई दुखड़े सुने तो रोंगटे खड़े हो जाएं। अम्मा जरा इधर तो आना। जरा इन्हें बताइए आपके साथ क्या हुआ। वो तो तुम्हें सब कुछ मालूम ही है बेटी। हाँ मुझे मालूम है, मगर इन्हें बताइए। जला दिया उनका भक्तों ने मेरी बेटी को। ये आग की बैरक बनी उसकी, उसी ने उसे सुहागिन बनाया और वही उसे शमशान भूमि तक ले गई। तब जाकर ठंडी हुई ये आग। ये कैसा रिश्ता है आग का हमारे घर की बहू बेटियों के साथ। और उसकी वजह दहेज। न जाने क्यों नहीं समझते हैं कुछ लोग कि दूल्हा खरीदा नहीं जा सकता, और अगर आपने एक बार ये सौदा कर लिया तो ये वो खाता होगा जो कभी बंद न होगा। और इसी दहेज के नाम औरत कभी आग के लपटों में आती है तो कभी फांसी का फंदा उसके गले में पड़ता है। ये हमारी वकील साहिबा हैं, ये इनके केसेस लड़ती हैं। और हमारा एक छोटा सा हॉस्टल भी है जहाँ बेसहारा औरतों को रखा जाता है, वहाँ उन्हें काम भी दिया जाता है। चलो तुम्हें दिखाएं। अरे वाह शांति, कितनी अच्छी पालकी बनाई है तुमने। ये शांति है, शादी के 2 साल बाद इसके पति ने इसको घर से निकाल दिया। बहुत पीटता था इसे। घर से निकालने के बाद भी उसने इसे तंग करना नहीं छोड़ा। तब ये बेचारी हमारे पास आई, हमने इसको रहने की जगह दी और इसके पति को धमकाया कि अगर उसने इसको फिर तंग किया तो हम उसको पुलिस में पकड़वा देंगे। अब हमारी कोशिश ये है कि इसे तलाक मिल जाए ताकि हम दोबारा उसकी शादी करवा सकें। इस तरह यहाँ हर औरत वो है जिसकी जिंदगी एक कहानी बन गई है। इट्स बारबेरिक। ये किस सदी में रह रहे हैं आप लोग? इतना अन्याय, इस तरह ट्रीट किया जाता है एक औरत को। यहाँ जला दिया जाता है, लड़कियां अपने आप को फांसी लगा लेती हैं। किस लिए? दहेज के लिए। मैं ऐसे समाज में एक दिन भी और नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं ब्रिटेन में भी कभी किसी एशियन औरतों के ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रही थी। वहां भी औरतों का यही हाल है। 15-15 साल ब्रिटेन में रहते हुए भी उनको अंग्रेजी बोलना नहीं आता। उनके पति भी उन पर इसी तरह अत्याचार कर रहे हैं। I should have known what to expect। यानी आप दर्द और दर्द में फर्क करके ये चुन लेना चाहती हैं कि आप किस दर्द में शामिल होंगी। आपके हिसाब से दर्द अमेरिकन होता है, एशियन होता है, हिंदुस्तानी और अंग्रेजी होता है। वैसे साउथ अफ्रीका में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एक पूरे कौम पर अत्याचार, वही अत्याचार अंग्रेजों ने हम पर किया था, लेकिन इसमें तो आपको कोई दिलचस्पी नहीं होगी। आप जानती हैं कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, पर यह देश तो आपका है ही नहीं ना। आप उस तरफ रहना चाहती हैं जिस तरफ जीतने वाला होता है। हारने वाले से तो आपको कोई हमदर्दी नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई मकसद नहीं है आपकी जिंदगी का। ढोंग करती हैं आप कि आपको इंसानी दर्द से बहुत लगाव है। आप भी उसी डिस्को कल्चर से हैं जिस कल्चर के मारे हुए इस देश में बहुत नौजवान हैं। हाँ, एक आप ही बहुत महान है जो एक अमीर बाप के बेटे होते हुए भी गरीबों के साथ काम कर रहे हैं। मुझे नफरत है आप जैसे लोगों से जो दूसरों को नीची नजर से देखते हैं। चलती हूँ मिस्टर शशांक सिन्हा, ये पॉजिटिवली हमारी आखिरी मुलाकात है, क्योंकि आप जैसे नार्सिस्टिक लोगों के लिए जिन्हें अपने आप से इतना ज्यादा प्यार है, मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं। थैंक यू एंड गुड बाय। कहो दीदी, कैसे लगी शशांक की ऑर्गेनाइजेशन? क्या बात है, बहुत थक गई हो क्या? उनके साथ कहीं नारेबाजी पर निकल गई थी? हमारी बेटी है ये ऐसी, जहाँ जाती है इन्वॉल्व हो जाती है। बेटे, तुम्हारा लंदन का टिकट आ गया है। अरे खुशी से उछली नहीं तू? इतने दिनों से कह रही थी मुझे जाना है, मुझे जाना है। जी हाँ, मुझे जाना है। मेरा बस चले तो अभी चली जाऊं। क्या बात है बेटी, अब तो टिकट भी आ गया है। अब कैसी नाराजगी, कैसी परेशानी। पापा मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। जानता हूँ बेटे, तभी तो तुम्हें रोक नहीं रहा। लेकिन अब चाह ही रही हो तो क्या थोड़ा भी वक्त अपने पापा के साथ नहीं बिताओगी? I'm sorry, पापा। I'm in a strange state of mind। तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ बेटे। मैंने तो तुम बच्चों को हमेशा समझने की कोशिश की है। नहीं पापा, एक उम्र के बाद कोई किसी को नहीं समझ सकता। हम बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। इसीलिए तो मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहता बेटे। मैं तुम्हारे जज्बात और फैसले की कदर करता हूं। लेकिन अनीता, न जाने क्यों मेरा मन कहता है कि तुम अपना ये फैसला बदल दोगी। नहीं पापा, मुझे जाना है, जरूर जाना है। ये क्या कर रही हो मामा? तुम्हारी पैकिंग कर रही हूँ और क्या। होश है तुम्हें कि कल तुम्हें जाना है? लेकिन ये ओवरकोट वगैरह क्यों पैक कर रही हो? यू नीड देम। 2-3 महीने में इंग्लैंड में सर्दी शुरू हो जाएगी, फिर इनका मैं यहाँ क्या करूंगी? नमस्कार भाभी। देशी भाई साहब कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। 2 पाँव तो हैं जो चल रहे हैं और हाथ हैं ये भी चलते ही रहते हैं। अरे ये क्या हुआ? किसी से हाथापाई करके आ रहे हैं क्या? जी हाँ। अपने मोटरसाइकिल के साथ। कब्बा बीच रास्ते में खराब हो गई, मरम्मत की, सोचा हाथ यही धो डालू। अच्छा, अच्छा। बाबूजी। अच्छा तो हाथ कहीं और काले करते हो और धोने के लिए यहाँ घर आ जाते हो? बाबूजी हाथ ही तो काले करता हूँ, दिल तो साफ रखता हूँ। दिल? जी हाँ, वो तो मालूम है ना, उससे धुला हुआ है। उससे तू जानता है ना किससे? ओ देशी भाई साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं इसी इंतजार में थी कि कोई आए, बाजार से कुछ मंगवाना था। लीजिए, आते ही नौकरी मिल गई। हाँ तो भाभी क्या मंगवाना है? ये अनीता इंग्लैंड जा रही ना, वहाँ के अपने हिंदुस्तानी फ्रेंड्स के लिए कुछ पापड़ और बड़ियाँ मंगवानी थी। हैं? वहाँ भी वो यही खाते हैं? अरे भाई इसी खोज में तो अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे। नहीं बाबूजी, वो तो स्पाइसेस के लिए आए थे। वैसे मिलता तो वहाँ पे सब कुछ है, लेकिन यहाँ से जो चीज जाती है उसका जायका ही कुछ और होता है। इंसान कितने हाथ फैलाता है, कितना बड़ा मुंह खोलता है, ताकि उसमें यहाँ की वहाँ की दुनिया भर की चीजें समा सकें। भाभी पापड़ बढ़िया तो मैं जरूर ले आऊंगा, पर बेहतर है आप मेरे साथ ही चलिए। बाजार में सैकड़ों ब्रांड्स के पापड़ बढ़िया हैं, आप खुद ही चुन लीजिए जो आपने भिजवाने। कहाँ देशी भाई साहब, आपकी मोटरसाइकिल पे बैठ के मैं कहाँ जाऊंगी? आप खुद ही तो कह रहे थे कि वो सड़कों पे डिस्को करती है। अनीता चली जाएगी। गो बेटा, गो भी देशी अंकल और मिसेस पुरेवाल और मिसेस मल्होत्रा के लिए पापड़ और बढ़िया ले आओ। गो। नहीं मामा, मेरा मूड नहीं है। विल यू गो अनीता? की मदद कर। मेरा बच्चा 2 दिनों से भूखा है, मैं सड़कों पे मारी मारी भेज रही हूँ। मैं अनाथ हूँ, मैं विधवा हूँ, मेरी पति की लाश को आग लगाने वाला कोई नहीं है। मुझे कफन के लिए कुछ पैसे दे दे। ए भाई, इस बच्चे की दूध बिताने के लिए पैसा दे दे, कुछ पैसा दे दे। ओ हेलो, आइए। कहिए कैसी हैं आप? कैसी लग रही हूँ? खुश, बहुत खुश। हाँ कल अमित का फोन आया था, बता रहा था आप आजकल में इंग्लैंड वापस जा रही हैं। मैं यहाँ सिर्फ आपको ये बताने आई हूँ कि मेरा भी एक दिल है जो बहुत सारी बातें महसूस करता है। और जो मैं महसूस करती हूँ वो एक ढोंग नहीं है। अरे आज आप इतना भावुक किस बात पर हो गई? मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश मत कीजिए। जो कुछ मैंने देखा है उस पर मुझे गुस्सा जरूर आया, लेकिन वो बातें मेरे साथ रही और उसके बाद मैंने एक मंजर देखा जिससे मुझे सचमुच रोना आ गया। वो क्या था? मैंने एक औरत को ट्रैफिक सिग्नल पर अपने मरे हुए पति के कफन के लिए पैसे मांगते देखा है, अपने भूखे बच्चे के लिए भीख मांगते देखा है। इसलिए ये मत समझिएगा कि एक आप ही हैं जो दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं। माफ करना, मैं उस औरत की गरीबी पर नहीं, उसके ड्रामे पर हंस रहा हूँ। ये औरत आपको जरूर सुंदरनगर या लोधी कॉलोनी के किसी क्रॉसिंग पर मिले होंगे। वहां अक्सर ऐसी औरतें भीख मांगा करती है, इनके पति रोज मरते हैं। लेकिन जो सच्चाई मैं जानता हूँ वो ये है कि इनके पति मरते जरूर हैं, लेकिन सड़कों पर नहीं, अपने घरों में शराब पी पी कर। इसलिए जो कुछ आपने देखा वो ड्रामा था, सच्चाई नहीं थी। हाँ, ये बात और है कि इंसान के पेट की भूख जितनी बढ़ती है उतना ही सड़कों पर ड्रामा भी बढ़ता है। इसलिए फिल्मों में मैं जब कुछ एक्टरों को गरीबी की एक्टिंग करते देखता हूँ तो मुझे लगता है ये ड्रामा ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके पेट जरूरत से कुछ ज्यादा ही भरे हुए हैं। तुम चाहते क्या हो मुझसे? हर बात जब मैं सीरियसली करना चाहती हूँ तो उसका मजाक क्यों उड़ाते हो? हर बार क्यों महसूस करवाना चाहते हो कि तुम सही हो और मैं गलत हूँ? तुम जो कर रहे हो वो नेक है और बाकी सब जो कर रहे हैं वो गलत है। मैं अगर चाहूं तो यहाँ रहकर इस संस्था का सारा बोझ उठा सकती हूँ। मुझ में हिम्मत है दर्द बर्दाश्त करने की। कौन रोकता है आपको ये सब करने से? ये तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो इस संस्था को ज्वाइन करने के लिए या सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हो? ऐसा कोई नहीं है जो ये काम करना चाहता हो और मैंने उसे रोका हो। मैं किसी कोई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। अपना आप ही मिटाना होता है इस काम को ईमानदारी से करने के लिए। तो फिर मैंने फैसला कर लिया है, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। अनीता जी, आप सब अंग्रेज एक जैसे ही हैं। कहा उन्होंने भी था कि जाएंगे, लेकिन 200 साल तक नहीं गए थे। फिक्र मत कीजिए, मेरी उम्र इतनी लंबी नहीं है।